हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। मेरा नाम पूजा गर्ग है और मेरे चैनल का नाम मिशन गवर्नमेंट जॉब है। आपको पता ही है मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ। मेरी एकेडमी का नाम आदर्श एकेडमी है जो कि सिरसा में है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ऑफलाइन कोचिंग देनी है तो आप मेरी एकेडमी पे विजिट कर सकते हो। मैंने आपको हरियाणा जीके के अंदर 200 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन की सीरीज दी थी, उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप लोग अपना साथ हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। इंग्लिश के अंदर ये जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 5th। इससे पहले मैं इंग्लिश के टोटल 4 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। जो मैंने फोर्थ लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने आपको एक रूट वर्ड कराया था जिसका नाम था साइड। साइड का मतलब होता था कि किसी भी इंसान की हत्या करने की कोशिश करना या खुद को मारने की कोशिश करना, उसके पीछे रूट वर्ड क्या लगता है? साइड। आज का जो रूट वर्ड है वो क्या है? हमारा फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। अब ये डर किसी के मन में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जब बहुत ज़्यादा वो चीज़ हैवी हो जाती है तो वो किस चीज़ का काम करती है? डर का काम करती है। ये किसी के भी मन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने वाले से के मन में है वो चीज़ आपके मन में भी हो। आप उसको पागल बोल सकते हो लेकिन वो उसके मन का क्या है, यहाँ पे फोबिया। तो जो फर्स्ट वर्ड निकलेगा हमारे पास कि फोबिया को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इसको करेंगे हम फियर ऑफ। फियर ऑफ का मतलब होता है डर। तो पहला जो वर्ड निकलेगा यहाँ से फियर ऑफ हाई प्लेस, कि जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिसको ऊंचाई से डर लगता है, नीचे देखने पे डर लगता है, उसको बोलेंगे हम एक्रोफोबिया। तो ऊंचाई के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है? एक्रो, और फोबिया के लिए हो गया, डर के लिए हो गया फोबिया। तो ऊंचाई से डर को बोलेंगे एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ एयर गैसेज एंड एयरक्राफ्ट, कि जिसको प्लेन में बैठने से डर लगता है, एरोप्लेन में बैठने से, उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है एरोफोबिया। अब पेपर में किस टाइप से पूछा जाएगा? जैसे आपके पेपर में आ गया कि फियर ऑफ हाई प्लेस, बताओ क्या होगा? नीचे दो ऑप्शन है आपके पास, एक्रोफोबिया और एरोफोबिया। तो अब अगर आपने एक बार भी मेरी वीडियो सुनी है तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि फियर ऑफ हाई प्लेस का मतलब क्या होता है, एक्रोफोबिया। जो हरियाणा का पेपर होना है उसमें इंग्लिश 5 से 6 नंबर की पूछी जानी है। तो इंग्लिश भी आप साथ साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहिए और टाइम बहुत कम है तो जितनी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो आप साथ साथ में कवर करते रहिए। नेक्स्ट है फियर ऑफ कैट, कि जिसको कैट से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्यूरोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, कन्फाइंड प्लेस का मतलब होता है कि बंद जगह। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो बंद जगह होती है उसके बाद उनको घुटन होने लग जाती है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करना। ये जो सारे रूट वर्ड है ये मैंने आपके HSSC और SSC के एग्जाम से लिए हैं जो आपके पीछे पूछे गए हैं। तो इससे हो जाएगा कि फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस का मतलब हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, कॉमन वर्ड है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। फियर ऑफ क्राउड, क्राउड का मतलब यूज करते हैं हम डेमो, जैसे डेमोग्राफी होती है ना उसी प्रकार से, कि जिसको भीड़ से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? डेमोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ फॉरनर और स्ट्रेंजर्स, कि जिसको अजनबियों से डर लगता है या विदेशी लोगों से डर लगता है, उसके लिए रूट वर्ड यूज करेंगे हम जीनोफोबिया। देखो एक होता है फोबिया और एक रूट वर्ड होता है आपका मेनिया। मेनिया होता है किसी भी चीज के लिए पागलपन। जब आप किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हो तो उसके लिए यूज करते हैं मेनिया। जब किसी चीज से आपको डर लगे तो उसके लिए यूज करते हैं हम फोबिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है अल्कोहल। अल्कोहल, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पसंद होती और अगर वो डर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए यूज करेंगे डिप्सोफोबिया। अब कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको अल्कोहल बहुत अच्छी लगती है, जब तक वो 2-3 पैग ना लगा ले उनको नींद ही नहीं आती, तो वहां यूज करेंगे हम एक वर्ड डिप्सो मेनिया। तो जिस भी वर्ड के आगे देखो डिप्सो यूज होता है शराब के लिए, तो डिप्सो मैंने वही रखा है। अब इनके आगे आप मेनिया भी लगा सकते हो, फोबिया भी लगा सकते हो, लोजी भी लगा सकते हो। देखो एक वर्ड होता है लोजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, जैसे बायोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, तो आप वो चीज़ की क्या करते हो? स्टडी करते हो। तो यहाँ पे अल्कोहल में लगा देंगे अगर डिप्सोलॉजी, वैसे ये वर्ड नहीं होता डिप्सोलॉजी, कि शराब के बारे में स्टडी करना। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और डिप्सोफोबिया का मतलब होता है जिसको शराब से डर लगे। नेक्स्ट रूट वर्ड है ब्लड, जिसको ब्लड से डर लगे उसको क्या बोलेंगे? जैसे हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा, जो हीमोग्लोबिन निकला है वो हीमो रूट वर्ड से ही निकला है यहाँ पे। तो जिसको ब्लड से डर लगे उसको बोलते हैं हीमोफोबिया या फिर बोलते हैं हिमेटोफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हॉर्स से डर लगे, जिसको हॉर्स से डर लगता है उसको बोलते हैं हिपोफोबिया। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिसको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद आती है तो उसके लिए यूज करेंगे हिपो तो लगाना ही है, आगे क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? मेनिया। तो हिपोमेनिया हो गया जिसको घोड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और हिपोफोबिया हो गया जिसको घोड़ों से डर लगता है। नेक्स्ट है फिश,
अब फिश से भी हम तीन वर्ड याद कर सकते हैं यहाँ से। फिश के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो होता है इथियो, ये बोलेंगे इसको इथियो, इथियोफोबिया। इथियोफोबिया का मतलब होता है जिसको फिश से डर लगता है। अब इथियोमेनिया का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको फिश बहुत ज्यादा पसंद होता है। और इथियोलॉजी भी होता है, इथियोलॉजी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो फिश के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इथियोलॉजी। नेक्स्ट है पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर, जो जहर से डरता है उसको बोलते हैं टॉक्सिकोफोबिया। और जो जहर की स्टडी करते हैं कि किस टाइप का जहर है ये, जैसे जहर, जैसे डॉक्टर होते हैं अगर कोई जहर वगैरह खा लेता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले उन्होंने स्टडी की होगी कि ये जहर कैसे निकालना है और इसकी एंटीडोट क्या होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टॉक्सिकोलॉजी, कि जहर के बारे में स्टडी करना टॉक्सिकोलॉजी। और फोबिया का मतलब हो जाएगा डर। नेक्स्ट है डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगता है उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया। और जिसको डस्ट, डस्ट से जिसको बहुत ज्यादा एलर्जी हो उसको बोलेंगे रूपोफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जिसको डेड बॉडी से डर लगे, डेड बॉडी से जिसको डर लगते हैं डर लगता है उसको बोलते हैं निक्रोफोबिया। सनलाइट से जिसको डर लगे उसको बोलेंगे हीलियोफोबिया। चिल्ड्रन से डर लगता है जिसको, उसको बोलते हैं पीडोफोबिया। स्टडी, अब ये वर्ड तो नॉर्मल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्टडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जिसको स्टडी से डर लगता है उसको बोलते हैं लोगोनोफोबिया। और जिसको स्टडी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जो दिन में से 12-12 घंटे पढ़ भी लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कब उनका टाइम चला गया, तो वहाँ यूज़ करेंगे लोगोनोमेनिया। नेक्स्ट है 13। अब 13 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई लोग मानते हैं कि 13 जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, तो वहाँ ये रूट वर्ड यूज होगा कि 13 से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं ट्रिस्का डिका फोबिया। नेक्स्ट है जिसको वुमेन से डर लगता है, आप एक रूट वर्ड आता है यहाँ पे गाइनी, तो गाइनी फोबिया बोलेंगे जिसको वुमेन से डर लगता है। और गाइनोलॉजी होता है जो वुमेन के बारे में स्टडी करते हैं, गाइनोलॉजिस्ट हो जाते हैं जो वुमेन के स्टडी करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं वुमेन्स के, और गाइनोमेनिया हो जाएगा जिसको वुमेन से बहुत ज़्यादा लगाव हो। नेक्स्ट है स्नेक, जिसको स्नेक से डर लगता है उसको बोलते हैं ओफिडिया फोबिया। मेडिसिन से जिसको डर लगे फार्माकोफोबिया। नाइफ से जिसको डर लगे उसको बोलेंगे एक्मोफोबिया। वाटर से जिसको डर लगे उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। वाटर होस्ट से, भूत से जिसको डर लगे उसको बोलेंगे फेस्मोफोबिया। एनिमल से डर लगे जू फोबिया, ये तो बहुत आसान है। डेप्थ मतलब गहराई से डर लगे उसको बोलेंगे बाथोफोबिया। वेल्थ से डर लगे, वेल्थ मतलब होता है धन, जिसको धन से डर लगे उसको बोलेंगे प्लूटोफोबिया। और जिसको धन से बहुत ज़्यादा लगा हो उसके आगे आ जाएगा प्लूटोमेनिया। और स्पाइडर से डर लगे उसको बोलेंगे अरेक्नोफोबिया। तो ये मैंने 28 वर्ड कवर किए हैं यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इंग्लिश की वीडियो कैसी लग रही है। और जो बच्चे अपने पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं उनके लिए एक सजेस्ट है कि अभी तो हम पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टाइम में आपको हरियाणा जीके के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाए। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया ये फोबिया, ये फोबिया का फर्स्ट पार्ट है, अभी कुछ फोबिया और भी बाकी है। तो अगर आपकी डिमांड रही कि आपको इंग्लिश करवानी चाहिए या आप लोगों को मेरी इंग्लिश करवाई हुई अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।